मेटल कटिंग फैक्ट्री में लगी आग काफी दूर से दिखाई दे रही है लपटे। खेड़ा औद्योगिक क्षेत्र स्थित स्कैप फैक्ट्री में मंगलवार की देर शाम आग लग गई। भीषण आग को बुझाने के लिए हापुड़, गाजियाबाद और नोएडा से दमकल विभाग की 9 गाड़ियां देर रात तक जुटी रही। घटनास्थल पर पुलिस फोर्स के साथ सीओ पलखवा और एसडीएम धोलाना भी मौजूद रहे। नोएडा निवासी मनन गोयल की पलखवा धोलाना मार्ग खेड़ा स्थित औद्योगिक क्षेत्र में स्क्रैप फैक्ट्री है। मंगलवार की रात फैक्ट्री स्थित प्लास्टिक के गोदाम में अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने भीषण रूप धारण कर लिया। फैक्ट्री में मौजूद लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। लोगों ने पहले आग बुझाने का प्रयास किया लेकिन विफल रहे। आसपास संचालित फैक्ट्री में कार्यरत श्रमिकों ने काम करना बंद कर दिया। मामले की सूचना दमकल विभाग के अलावा पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों को दी गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने आग को बुझाने का प्रयास किया लेकिन विफल रही, जिसके बाद अन्य जिलों की गाड़ियों को मौके पर बुलाया गया। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। पलखवा फायर स्टेशन प्रभारी सचिन बालियान का कहना है कि अभी तक की जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट प्रतीत हो रहा है। आग बुझाने के बाद जांच उपरांत आग लगने के सही कारणों का पता चल पाएगा। हापुड़ से संवाददाता राजेंद्र सिंह के साथ प्रशांत सिंह की खास रिपोर्ट।